comedy studio, laughter for the nation. ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਕਿਆ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਦੋਵੇਂ ਬੈਠੇ ਭੈਣ ਭਰਾ। ਸੋ ਮਾਈ ਨੇਮ ਇਜ਼ ਗੁਰਸੀ ਸਿੰਘ ਔਰ ਮੈਂ 19 ਸਾਲ ਕਾ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਟਿਪੀਕਲ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਆਏ ਹੂੰ ਜਿਸਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਅੱਛੇ ਹੋਣੇ ਕੇ ਲੀਏ ਨਾ ਤੋ ਘਰ ਵਾਲੇ ਹੈਲਪ ਕਰਤੇ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਸ਼ਕਲ। ਆਪਣੇ 19 ਸਾਲ ਕੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕੋ ਯੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਯਾ ਤੋ ਬੰਦਾ ਅਮੀਰ ਹੋ ਯਾ ਗਰੀਬ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮੀਰ ਕੇ ਪਾਸ ਹੋਤਾ ਹੈ ਪੈਸਾ ਔਰ ਗਰੀਬ ਕੇ ਪਾਸ ਹੋਤੀ ਹੈ ਦੁਆਏ ਔਰ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਬੰਦੇ ਕੋ ਏਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਤੀ ਹੈ 24 ਘੰਟੇ, ਸਲਾਹੇਂ। ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਵੀ ਨਾ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇ ਹੋਤੇ ਹੈ, ਏਕ ਹੋਤੇ ਹੈ ਵੋ ਜਿਨਕੋ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਹੈ ਔਰ ਵੋ ਵੈਸੇ ਹੀ ਰਹਤੇ ਹੈ ਔਰ ਏਕ ਹੋਤੇ ਹੈ ਵੋ ਜੋ ਸਾਲੇ ਅਮੀਰ ਅਮੀਰੋਂ ਵਾਲੀ ਹਰਕਤੇ ਕਰਨੇ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਤੇ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹਾ ਹੂੰ ਐਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਵੀ ਲੱਗਾ ਮਾਈਕ ਤੋ ਅਭੀ ਜਬ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਮੈਂ ਸੈਵਨਥ ਕਲਾਸ ਮੈਂ ਥਾ ਨਾ ਤੋ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਥਾ ਸਾਹਿਲ ਤੋ ਸਾਹਿਲ ਕੀ ਸ਼ਕਲ ਐਸੀ ਥੀ ਕਿ ਆਪਕੋ ਦੇਖ ਕੇ ਦੌਰਾ ਪੜ ਜਾਏ ਕਿਆ ਤੋ ਵੋ ਨਾ ਡਰਾਈਵਰ ਕੇ
पता क्या है तुम्हारा स्टैंडर्ड ही लो होगा और कुछ नहीं होगा. अच्छा मैं कहा बहन तूने बुलाना है बुला नहीं बुलाना मत बुला कम से कम बेइज्जती तो मत कर. उस बंदे की सेवंथ क्लास में दो गर्लफ्रेंड थी और मेरी सेवंथ क्लास में दुनिया के किसी भी लड़के के साथ कोई कॉन्वर्सेशन ही नहीं थी. ऐसे निकल जाती थी लड़कियां. इस मेरी नाकामी का एक मेन कारण वो कारण ये है कई घर से गरीब होते हैं कई शक्ल से दोनों साइड से हूं. कोई और चले जाए ना रेस्टोरेंट में तो वेटर लाइक हाँ जी सर क्या लेंगे सर चिली चिकन बटर चिकन सर प्रॉपर्टी के कागज ले आऊं सर गला काट के ले आऊं सर क्या लेंगे. मैं चले जाऊं ना वेटर दूर से कुक को आवाज मार देता और सोना दाल लगा दे. अच्छा पूरी ना लगाइयो इसने हाफ ही मांगनी है. पीवीआर में चले जाओ कैसे जाते हैं सर डू यू नीड एनीथिंग नाचोस पॉपकॉर्न नगेट्स एनीथिंग एल्स सर. मेरे सामने से निकलते वक्त इनके एक्सप्रेशन ही चेंज हो जाते हैं. सर डू यू इनके दिमाग में चल रहा होता नहीं 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 ये इंटरवल में मूतने जो गई है. अच्छा अभी स्कूल में पढ़ते तो हम कैसे ना अमीरों के बच्चे पढ़ाकू बच्चे कैसे वो लेकर आते हैं टिफिन लेकर आते हैं तीन फ्लोर वाला टिफिन होता है उनका सब्जी रायता रोटी बुक हाथ में पकड़ कर ना ऐसे करते हैं सब खा रहे होते. मेरी मम्मी ने अखबार में परौंठे लपेट के दिए होते और उसका मक्खन पहले पीरियड में लीक हो गया होता. बैग में से बुक निकालो बैग में से नहीं वो कढ़ाई में से लगी हुई निकलती. अच्छा अमीरों का या पढ़ाकू बच्चों का ना इश्क बहुत अलग तरीके का होता. तो मेरा दोस्त नहीं साहिल जिसके बारे में आपको बताया मैंने उस साहिल का ना ब्रेकअप हो गया. तो एक दिन पहले ना ब्रेकअप से वो बात कर रहा था तो मैं साथ ही में खड़ा था. उसकी गर्लफ्रेंड उसको कह रही थी कि साहिल आई थिंक इट्स नॉट वर्किंग नाउ बिकॉज देयर इज लॉट्स ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड प्लीज आई थिंक वी शुड डू ब्रेकअप नाउ. मेरे को बहन जो मजा आ रहा है भाई की टूट रही है मेरे को लड़की की इंग्लिश देख के मजा आ रहा है यार. अगले दिन मेरे एक दोस्त का हुआ ब्रेकअप उसका नाम था जीता. उसकी गर्लफ्रेंड उसको क्या कह रही है हाय वे जीते हाय वे कंजरा फरनेल दिया गोलियां खा के मर जाना मैं. स्कूल में छुट्टियां होती हैं छुट्टियां ना छुट्टियां होती हैं तो अमीरों के बच्चे जाके ना घर जाके डिस्कस करते हैं कि डैड हमें कहाँ जाना चाहिए इस बार छुट्टियों में शुड वी ट्रैवल सम हिली एरियाज और शुड वी गो टू लाइक फॉरेन और कैसे. वो मेरे को सुना मेरे को ना साहिल का अच्छा लगा मैं कहा मैं भी जाके करूँगा. तो हम जैसे घर में एंटर करते ना मिडिल क्लास लोग हमारे बात नहीं शुरू होती गालियाँ शुरू होती. हाँ कंजर जा पुत्र कुंडा दे ला बाहर ला डैडी वाला अपने एक मिनट जरा माली बोतल किने भर के जानी थी तेरी है. अच्छा ये सुनकर ना फिर हम डैडी के पास जाते हैं तो मैं डैडी के पास गया. मैं कहा डैडी वो इस बार ना हम कहीं घूमने जाएंगे अच्छी तरह. अब जैसे जैसे जगह डिसाइड होती है ना उसके हिसाब से ना प्रॉब्लम्स बननी शुरू हो जाती है.
चंडीगढ़ जाओ। नहीं 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 बेटा, ऑफिस में काम बहुत है, मैं आपको क्या बताऊं। नहीं नहीं बेटा, हम देखेंगे, जाएंगे जाएंगे देखेंगे। हिली एरियाज में जाओ, दादी से एक्टिंग करवाते हैं। बेटा उम्र है इन्हें कि हिली एरियाज च घूमन की है। दसो मैं इन्हें इतना छड़ के कल चल जावा। दसो मैं कहा मम्मी एक मिनट, एक तो तुम उत्थे एकता कपूर का सीरियल लाया, इतने तुम अपना लाया हुआ यार। अच्छा अगर फॉरन वर्गी जगह कह दो ना, तो ऐसी ऐसी प्रॉब्लम बताने लग जाते हैं, आपका अपने घर वालों से विश्वास उड़ जाता है। मैंने पापा को कहा, मैं कहा पापा मेरे रिश्तेदार रहते हैं अपने कनाडा में ना, वहां चलते हैं। कहते हैं कनाडा? अरे बेटा मेरे को कैंसर कैंसर सा फील हो रहा है। मेरे को एक बात पता चली गई है, चाहे मिडिल क्लास घर हो जैसा भी घर हो, हर एक घर में ना तीन चार हॉलीडे पॉइंट्स डिसाइडेड होते हैं कि शायद यहां पर हम जाएंगे। हाई क्लास लोगों के मिडिल वो हॉलीडे पॉइंट्स क्या होते हैं? सिंगापुर। आप भी मैडम, मैं सिंगापुर वाले लगते हैं, सच्ची गया सोना है बहुत, सॉरी। सिंगापुर, मलेशिया, मिडिल क्लास लोगों के पता क्या होते हैं? ताई का घर, चाची का घर, और सबसे ग्रैंड नानी का घर। वाह,